एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको काफ़ी हेल्दी सा चना चाट बनाना सिखाऊंगी गाइस, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। इस हेल्दी सी रेसिपी को 5 मिनट के अंदर आप कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं गाइस। खाने में ये काफ़ी चटपटा और टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। इस तरह की टेस्टी वाली चना चाट मार्केट की किसी भी गलियों में मिल ही जाती है गाइस, जिसे हम काफ़ी शौक से खाना पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं। आज घर पे सीखेंगे कि इसे हम कितनी आसानी से बना सकते हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी का राज। सब जग सोए हम जागे हैं, तारों से करें बातें, चांदनी रातें हैं, चांदनी रातें। तो फुल एंजॉयमेंट के साथ चलिए शुरू कर लेते हैं बना लेना। तो इस चना चाट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरह के चने ले लिए हैं गाइस। मैंने यहाँ पे काले वाले चने ले लिए हैं और इसके साथ मैंने यहाँ पे बड़े वाले यानी कि काबली चने भी ले लिए हैं। इन दोनों चने को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, ये अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसे बारीक कट कर लिया है। एक खीरा ले लिया है, जिसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 3 हरी मिर्च ले ली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीखी नहीं है गाइस, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और ले लिया है एक टमाटर, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। धनिया का पत्ता ले लिया है, उसे भी बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे नींबू के 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इन सब चीज़ों के साथ में चना चाट को बना लेना। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर में। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, तो 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सरसों ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसे चने को डाल दूंगी। चने को डालने के बाद में मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी काला नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल दिया है काला नमक। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जिसे मैंने आपको नहीं दिखाया है। और इसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने के बाद में इसका जो टेस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है गाइस। अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें प्याज, टमाटर, खीरा और बाकी सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च भी। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमें इसे बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम में। तो इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से गाइस। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में हमें इसमें डाल देना है धनिया का पत्ता। तो मैंने इसमें धनिया का पत्ता डाल दिया है गाइस। हमें इसे फिर से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे 1/2 नींबू इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। नींबू को डालने के बाद में हमें इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में हमारा जो चना चाट है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा जो चना चाट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। हमें इसे बिल्कुल 1 से 2 मिनट ही पकाना होता है। इससे ज़्यादा आपको बाकी सारी चीज़ों को डालने के बाद में इसे नहीं पकाना है। फटाफट से इसे सर्व कर लेना है। तो हमारा चना चाट बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा घर पर रेडी हो चुका है गाइस। काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी टेस्टी भी है और चटपटा भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपने सीख लिया होगा कि इसे बनाने में हमें बिल्कुल 5 मिनट ही लगते हैं और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। इसे ज़रूर बनाकर खाएं, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर इंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी या बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।